हाय गाइस, दिस आई जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अचीव आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपसे डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो वो आज भी हम लोग द हिंदू के वो सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली मैं कह सकती हूँ थॉट प्रोसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे टाइम पीरियड से, जैसे ड्यूरेशन से, लॉकडाउन के एंड ऑल ड्यूरेशन से जैसा हम स्पेंड कर रहे हैं टाइम, उस दौरान हमें ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि एडिटोरियल्स जो है या एडिटर्स जो हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें उसके दौरान किस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है अ नैरो विंडो। सो देखिए, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, तो हमें ऐसा मानना है कि एडिटर्स का कि हमें एट प्रेजेंट इस लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे गलियां निकालनी होगी, कुछ ऐसे विंडोज़ ओपन करने होंगे जो कि हमें लॉकडाउन से टोटली आउट होने में, आफ्टर 3 मई हमें इस कोरोना से बाहर निकलने में मदद कर सके। ठीक है, सो इट अपियर्ड इन एविटेबल द सेंटर हैज़ एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ सेवरल स्टेट्स टू एक्सटेंड द नेशनल लॉकडाउन फॉर द नोवल कोरोना वायरस अंटिल मई 3। अभी आप सभी जानते हैं कि 3 मई तक प्रधानमंत्री जी या सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो अपील है 3 मई तक लॉकडाउन की, या ये जो डिसीजन है, ये टोटली सेंटर बेस्ड स्टेट बेस्ड है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स से सलाह मशवरा करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि कोरोना वायरस के चलते हमें लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये डिसीज़न डेफिनेटली उन लोगों के लिए कंफर्टेबल है जो कि इस कोरोना वायरस टाइम पीरियड के दौरान एक कंटिन्यूटी से चल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी एफर्ट्स लगा रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम आया है, क्योंकि वो लोग कोरोना वायरस से बाहर निकलने के लिए, इस देश को बाहर निकालने के लिए ऑलरेडी जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें और भी एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ अ स्मॉल विंडो विद इन विच एन ऑर्डिनरी ऑर्डरली एग्जिस्ट और एग्जिट मस्ट बी प्लान्ड। हमें एक ऐसा प्लानिंग करना होगा, हमें एक ऐसी विंडो बनानी होगी जिससे कि हमें इस छोटे से टाइम पीरियड के दौरान हम कोरोना वायरस के इस प्रकोप से, या हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के द्वारा हम कोरोना वायरस को पीछे छोड़कर आगे निकल सकें, है ना। So while announcing the extension, PM Narendra Modi spoke of incentivizing areas that avert a spike in cases over 10,000 nationally. ओके, थ्रू रिगोरियस एनफोर्समेंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्लियरली कुछ बातें क्लियर की। उन्होंने बताया कि हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि कंटिन्यूसली 10,000 क्रॉस कर चुके हैं, और इसी तरीके से अगर तादाद बढ़ती रही तो हम कोरोना से पीछा छुड़ाने की बजाय, और या हमारे जो एफर्ट्स अब तक लगाए गए हैं वो सब फेल हो जाएंगे और हम फिर से कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, जैसे कि अदर यूरोपियन कंट्रीज या चाइना या अमेरिका को देखा जा रहा है ना। So, इस चीज को पीछे छोड़ने के लिए और अपने ग्रेट एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ने के लिए इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया। उन्होंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने ये भी बताया कि आफ्टर 20 अप्रैल हम कुछ ऐसे एरिया जो कि लिटमस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं, या जो कि हॉटस्पॉट्स बनने की कगार पे नहीं है, या आने वाले टाइम में भी उनके हॉटस्पॉट्स बनने की कोई उम्मीद नहीं है, मतलब वो कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, पीड़ित होने की संभावना नहीं है, ऐसे एरियाज़ को हम 20 अप्रैल के बाद में, या ऐसे फील्ड को हम 20 अप्रैल के बाद में कुछ क्षेत्र तक ओपन करने की पहल की जा सकती है। और उन्होंने ये भी घोषणा की है, ये भी क्लियर किया है कि ऐसे क्षेत्रों को ओपन तो कर देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों के अंदर इस तरह की इन्फेक्टेड एरियाज अगर पाए जाते हैं या रिकवरी नहीं हो पा रही है किसी तरीके से, तो हम उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से वापस बंद भी कर देंगे। ठीक है, और स्ट्रिक्ट नियमों का पालन किया जाएगा नेक्स्ट आने वाले फ्यू डेज के अंदर। ठीक है, सो अगेन दिस हैज़ टू बी अलाइंड with well-recognized protocols on healthy behavior to stop new infections. अब ये जो protocol बनाया गया है next extension of this lockdowns, ये किस लिए बनाया गया है, जिससे कि हम आने वाले time में new infections को जो है क्या कहते हैं स्टॉप डाउन कर सकें। अब ये जो एक टाइम है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है हमारे डॉक्टर्स द्वारा, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, कि आने वाले टाइम में ऐसे कोई भी इन्फेक्शंस हमें इस हद तक प्रभावित ना कर सके, या कोई भी महामारी हमें इस हद तक प्रभावित ना कर सके, उसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने की ज़रूरत है।
तो सेंटर का ये जो लॉकडाउन का जो इम्प्लीमेंटेशन था, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत एक ग्लोबल लेवल पर काफ़ी इफेक्टिव है। हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं पूरे विश्व से इसको, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के क्षेत्र में। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि जितना जिस लेवल पे सेंटर जो है अपने डिसीजंस देती है, उसी तरीके से उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंटेशन करने में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, या अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो आम जन तक नहीं पहुँचाया जाता है उन इम्प्लीमेंटेशंस को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है सरकार के निर्देशों और आदेशों को, ठीक है। इसलिए होम मिनिस्टर की को ये ज़रूरत है कि वो आने वाले, देखिए हमने ये देखा है कि होम मिनिस्टर के काफ़ी लॉकडाउन्स के बाद काफ़ी सीवियर, हम कह सकते हैं बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी, ओरिजिनली लास्ट 21 डेज का जो लॉकडाउन हुआ उसमें कई सारी ऐसी जो फार्मिंग क्लॉजेस को ले लो या कोई भी, काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे काफ़ी सारे जिसके कारण, जिसमें जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गई और काफ़ी सारे प्रतिबंध टूटे। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये श्योर करना होगा कि ये ऐसी कोई घटना आगे घटित ना हो, ठीक है। ये जो एक टाइम पीरियड है, इसे एक एज अ कर्फ्यू लेना चाहिए और हमें लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अफर्म द नीड टू मेक फुल सेंस ऑफ द रबी हार्वेस्ट, प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस स्पीच में, कल की स्पीच में ये भी अनाउंस किया कि हम रबी हार्वेस्ट को जो है, अभी रबी हार्वेस्ट का टाइम है और हम रबी की फसल का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेकिन ये भी श्योर करना होगा कि ये, अच्छा ये ऐसा मानना है सरकार का कि रबी की फसल जो अगर मार्केट तक पहुंचती है जल्दी से जल्दी, इससे लोगों की भी हेल्प हो पाएगी, ताकि लोगों तक भी फसल पहुंच सके, खाने के फूड ग्रेन्स पहुंच सके, और जो हम कह सकते हैं कि फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों की भी काफ़ी हद तक मदद हो पाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि सरकार के ऐसे कई सारे फैसले होते हैं जिस पर अमल ना हो पाता है ना, अमल नहीं हो पाता और इस कारण से वो फैसले अधूरे रह जाते हैं। किसी भी हद तक ऐसी कोई घटना आगे घटित ना हो तो इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ये स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है कि वो जिम्मा उठाए सरकार के साथ में, एक प्रॉपर जो है मेंटेनेंस या कॉम्बिनेशन बना करके वो आम जन के लिए कार्य करे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिस समय, अच्छा देखिए ये भी एक फैक्ट है कि इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं जो कि अभी जॉबलेस हो गए या इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं, तो वो बेसिकली उन्हें अभी मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनसे फ़ायदा मिल रहा है, सरकार की स्कीम से भी फायदा मिल रहा है, काफी कुछ फायदा है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं और उन्हें अभी वो बीपीएल या एपीएल कार्ड्स में नहीं आते हैं, तो उन्हें अभी किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, या वो जॉबलेस भी हो गए हैं प्लस खाने वाने की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सारी चीजों से सफर करने के लिए उन्हें सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंस मिनिस्टर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर्स द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही है उसके तहत पीडीएस का जो ऑनलाइन एनरोलमेंट होता है उसमें जाके खुद को रजिस्टर करें या एनरोल करें, ठीक है। सो ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ एक्टिविटी आफ्टर May 3, ऑन गोइंग बियॉन्ड एसेंशियल सर्विसेज विल रिक्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन रिस्क फॉर वेरियस ग्रुप्स। अब देखिए काफ़ी सारे, एकदम से अगर हम लोग इंस्टेंटली ओपन कर देंगे आने वाले टाइम में, हमारा जो आने वाला टाइम है 3 मई के बाद में, तो इंस्टेंटली या एकदम फटाक से हम सारा सब कुछ ओपन कर दिया एंड नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने लगे, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोरोना वायरस को न्योता दिया है और बढ़ने के लिए। तो ऐसा मानना है हमारा कि हमें 3 मई के बाद भी कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कि स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, या स्टूडेंट्स है, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स है, वर्कर्स है, इन सबको जो है इनके लिए एक नियमित वो नियमावली बनानी होगी जिसके तहत वो लोग इस तरीके से कार्य करें कि उन्हें उनके कार्य के द्वारा वो लोग कोरोना से प्रभावित ना हो सके। और इस तरह का करना, स्टेप उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे फील्ड है जहाँ पे कोरोना वायरस जल्दी इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर गैदरिंग्स आर द फ्रीक्वेंट, यू नो, एकदम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे गैदरिंग्स होती है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो एक ही दिन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 200, 400, 1000, 500, 5000
कि संख्या में स्टूडेंट्स गैदर होते हैं या टीचर्स भी गैदर होते हैं, तो एक से दूसरे में इस संक्रमण को फैलने में कोई वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हमें इस क्षेत्र में स्पेशली वर्क करने की ज़रूरत है। ये भी एक फैक्ट है कि COVID-19 ऐसा वायरस है जो इमिजिएटली एक ही रात में आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर देगा कि भाई एक ही रात हो गया कोरोना वायरस गायब हो गया, अब इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया है, अब कोरोना वायरस हमें इफेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, है ना। इसे एक ही रात में नॉर्मलाइज होने में, इसको नॉर्मल सिचुएशंस में आने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, और कोरोना वायरस को रिमूव करके नॉर्मल कंडीशंस को में आने के लिए सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को और आम जन को मिलकर प्रयास करने होंगे। तो ये एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं हमें एक हेल्दी और सेफ एटमोसफेयर प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये आर्टिकल जो कि बेस्ड है कोरोना वायरस पर और इसके इफेक्ट्स पर। दिस इज़ अ नैरो विंडो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, देखिए आज के न्यूज़पेपर में दो आर्टिकल्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हें डिस्कस करना है हमें। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है होल्डिंग द मार्च ऑफ र्यूमर्स। देखिए आपको पता है कि कई सारे ऐसे र्यूमर्स हमें लास्ट मार्च में हमने बहुत सारे र्यूमर्स को फेस किया, कई सारे डिपार्टमेंट्स ने कई सारे र्यूमर्स को फेस किया, और सरकार ने, आम जन ने और डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी हद तक उन र्यूमर्स से आउट होने के लिए भी प्रयास किए। ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये कि हमें इनको, इस पर कार्य करना होगा, कैसे कार्य करना होगा, क्या रीज़न है कि र्यूमर्स फैलते हैं और क्यों इतना इफेक्टिवली ये लोगों पर वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1984 के अंदर दिल्ली में एक सिक्स का जो संग्राम हुआ था उसके तहत एक बहुत भयावह सा एक र्यूमर फैल गया था कि भाई सिक्स ने जो है पानी में जहर मिला दिया गया है, पीने के पानी, वाटर सप्लाई के अंदर सारे पानी में जहर मिला दिया। तो सच र्यूमर्स आर नॉट न्यू, ये कोई नए नहीं है, ऐसे कई सारे ज्यूज को लेकर, यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर, यूरोपियंस को लेकर 18 सेंचुरी में पेरिस से रिलेटेड कई सारे ऐसे पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन अलोंग क्लास लाइंस एंड वॉज रिप्लीट विद द र्यूमर्स दैट द रिच हैड डिस्ट्रीब्यूटेड लीदल कॉन्टेमिनेटेड फ्लो टू द पुअर, गरीबों को जो दान दिया गया है आटा वगैरह उसमें जहर मिला है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स हमें डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं। वी ऑल आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया के बेसिस पे कई सारे र्यूमर्स हम डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली COVID-19 की बात करें तो मुस्लिम्स ने 2000 के नोट उछाले हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, वो नोट्स उनके वायरस से इफेक्टेड हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। इसके अलावा हमने ये भी सुनने में आया कि मुस्लिम्स ने, क्योंकि वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं तो इन्फेक्टेड होने के कारण उन्होंने स्पिटिंग करके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेल आउट कर रहे हैं वो लोग। तो इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या स्ट्रेस का टाइम होता है, इस समय इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसका और बहुत ईजीली ये स्प्रेड हो जाती है और बहुत ईजीली इफेक्ट दिखाने लगती है। तो उसका देखिए दो तीन कारण होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि इस तरह की बातें बेबुनियादी नहीं होती, ये हमें बात पता है कि इस तरह की बातें कहीं ना कहीं अपना जो बेस लेकर चलती है वो सच होता है, इसका जो बेस होता है वो सच होता है, या इस तरह की घटना घटित पहले हो चुकी होती है उसी पे बेस र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं और वर्कआउट करते हैं ये सारे र्यूमर्स। जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आज सूरज रात में निकलने वाला है, या चांद जो है वो दिन में, या तारे टमटमा रहे हैं दिन में, सूरज नहीं निकलेगा कल का, तो इस तरह की बातें किसी भी तरीके से ये र्यूमर्स कहीं भी आपको इफेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू नो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पाकिस्तान इंडिया का वॉर होगा कल, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को बिलीव करेंगे बिकॉज ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसा मैं ऐसा हो चुका है, ऐसा हमें बता चुकी है हमारी हिस्ट्री, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो र्यूमर्स होते हैं ये तब इफेक्ट करते हैं जब वो कहीं ना कहीं सच पर आधारित हो, या कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएँ पहले घटित हो चुकी है, है ना। देखो ये कब काम करते हैं, जब हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो ओवरटोन्स होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे अंदर जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा प्रभाव, जैसे मेरे जैसा पर्सन है, तो अगर मुझे कोई आके कहेगा कि भाई सूरज कल ऐसे निकलेगा तो मैं बिलीव नहीं करूँगी, है ना।
लेकिन कोई मुझे कहेगा भाई एग्जाम्स एक्सटेंड होने वाले हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उस बात को 10%, 5%, 2% बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये बात प्रभावित कर सकती है क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ। तो इस तरह के कई सारे, जैसे अब हिंदू मुस्लिम का हम देख सकते हैं, अभी जो मुस्लिम्स का जो जमात वाला केस सामने आया है, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड होकर बाहर आती है, एक छोटी सी बात को ओवरलोड करके जो बाहर निकाला जाता है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि हम लोग उस चीज़ को कहीं ना कहीं सफ़र कर चुके हैं, हम लोग उस चीज़ को देख करके बाहर आगे निकले हैं, इसलिए वो चीज़ें हमें इंस्टेंटली इफेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो अब क्यों सर्कुलेट होती है भाई ये सारी जो चीज़ें होती है, ये क्यों सर्कुलेट होती हैं, इस तरह की बातें र्यूमर्स जो है सर्कुलेट भी हो जाती है, लोग यकीन भी कर लेते हैं, इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं? तो देखिए, जमुना प्रसाद जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं रांची में और पटना यूनिवर्सिटी में, उनका ऐसा मानना है कि ये बातें तब स्प्रेड होती है जब आप में हाई लेवल की एंगजाइटी होती है, और तो ईजिली स्प्रेड हो जाता है। आप में किसी चीज़ को लेकर एंगजाइटी है तो आप उस र्यूमर को ईजिली स्प्रेड कर लेंगे या मान भी लेंगे। जैसे हमें एक एंग्जाइटी थी, हमें एक डर था कि भाई कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, हमें भी हो सकता है, तो हमने इस र्यूमर को इजीली मान लिया कि भाई कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है और उसके पीछे जमात के लोग जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो इफेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड हैं वो लोग। तो इस तरह की बातें तब सर्कुलेट होती है जब हम में एंग्जाइटी होती है। अब जैसे कि इनका ये कहना है कि टिपिकल रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज्ड व्हेन अलाइव बट पोस्थमियसली celebrated as a pioneer in the social psychology of rumors. He did so by studying the social impact of the death Bihar Nepal earthquake of 1934. Deadly Bihar Nepal 1934 में एक बहुत भयावह जो है अर्थक्वेक आया था बिहार और नेपाल के अंदर, उसको लेकर सोशल इम्पैक्ट और स्टडीज़ के बेसिस पर जमुना प्रसाद जी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। ठीक है, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ आउटसाइडर्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसलाइक्ड बी कम्स एन ईजी टारगेट रेडी टू बी ब्लेम्ड फॉर द करंट मेस। ठीक है, र्यूमर्स सक्सीड इन सोसाइटी ridden with an us them syndrome already polarized indeed by binding people creating temporary solidarities among the perceived even enemy they only depend polarization no wonder they come in handy to those who benefit from such divisions। अब देखिए, इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं बिहार और नेपाल को रिलेटेड जो डिवीजन में देखा गया, तो उन लोगों पे बहुत इफेक्टिवली बहुत इजीली इफेक्ट कर गई वहाँ के स्प्रेड होने वाली सारी र्यूमर्स। तो कहाँ से स्टार्ट होती है र्यूमर्स इज दैट स्टोरी एंड द मोर हॉरिफाइंग आउटरेजियस एंड डिस्टिंगाइड दी स्टोरी। देखिए, बहुत ईजी सी चीज़ है कि हम किसी स्टोरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए, हम स्टोरी को क्या से क्या बना देने के लिए एक छोटा सा र्यूमर काफ़ी होता है। हम अगर स्टोरी को, हम किसी र्यूमर को बिलीव करते हैं, तो उस र्यूमर को बिलीव करते हुए हम अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं और वो स्टोरी एक ऐसे लेवल पे चली जाती है कि हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को पहले भी देख चुके हैं कि इस तरह के र्यूमर्स जो है वो किस हद तक एक वॉर तक चले जाते हैं। कई बार तो इतनी स्थिति बिगड़ जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इस तरह के जो र्यूमर्स हैं उनको स्टॉप करने के लिए हमें कुछ लेवल तक, कुछ हद तक हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इट इज़ अ फैक्ट दैट 1984 कार्नेज कंपेल्ड सिक्स टू गो टू द गुरुद्वारा इन लार्ज मन। सिख जो लोग थे वो गुरुद्वारा में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सिख लोग थे जो कि गुरुद्वारा में एंटर करने से 1984 में उन्हें रोक दिया गया था। उसका कारण क्या था? एक बहुत बड़ा र्यूमर स्प्रेड हो गया था कि ये लोग अपने साथ में हथियार लेकर आए हैं, लोगों को मारकर लूट रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो लोगों को हिला कर रख देती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय सिख का गुरुद्वारे में एंटर करने का रीज़न था कि उनके पास में रहने की जगह नहीं थी और उन्हें रहने के लिए शरण चाहिए था, इसलिए वो गुरुद्वारे में एंटर। तो ऐसे लोग जो र्यूमर स्प्रेड करते हैं वो लोग गुरुद्वारा, मस्जिद, इनको भी स्पिरिचुअल प्लेसेस को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स को करते हैं, गवर्नमेंट को इफेक्ट करते हैं, नॉर्मल पब्लिक को इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो इफेक्टिव होती है, इन सबको इफेक्ट करते करते वो एक बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह के र्यूमर्स को
रोकने के लिए सरकार को और डिपार्टमेंट्स कंसर्न डिपार्टमेंट को बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, जो जिस तरह की आगे, क्योंकि 3 मई तक एक्सटेंड हुआ है हमारा ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन को एक्सटेंड होने के साथ ही हमें ये भी मान लेना चाहिए कि र्यूमर्स की घटनाएँ भी, र्यूमर्स भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाएंगे, लेकिन इन र्यूमर्स को रोकने के लिए वी हैव टू टेक अ गुड स्टेप और स्ट्रिक्ट स्टेप्स. गवर्नमेंट हैव टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स सो दैट द नॉर्मल पीपल जो कि र्यूमर स्प्रेडर्स होते हैं वो र्यूमर्स को स्प्रेड ना कर पाए और आम जन को इस चीज़ से प्रभावित ना कर पाए. तो इट वॉज ऑल अबाउट द हॉल्टिंग ऑफ मार्च ऑफ र्यूमर्स. तो हमने आज 2 आर्टिकल्स डिस्कस किया, नैरो विंडो एंड हॉल्टिंग ऑफ मार्च र्यूमर्स. आज के आर्टिकल्स में, आज के न्यूज़पेपर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई. मैं एक ये भी गुजारिश है कि आप इन दोनों आर्टिकल्स को फिर से एक बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप और भी अगर जानना चाह रहे हैं, मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी, डिस्कस करेंगे हम उस चीज़ के बारे में. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अचीव IAS एंड बी विद अस विद द टीम ऑफ अचीव IAS. दिस वॉज IC जोशी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.